नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो स्क्रीन पे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। स्क्रीन टाइम हमारा मोबाइल, हमारा कंप्यूटर, हमारा टीवी, इन सब को इंक्लूड करके होता है। स्क्रीन टाइम की वजह से जो इल इफेक्ट्स होते हैं उसको कहते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। इसके अंदर आँखों के सिम्टम्स, जिसके अंदर ब्लर्ड विजन, ड्राई आई, फ्लक्चुएशन ऑफ विजन, कभी साफ दिखना, कभी साफ ना दिखना, सुबह तो ठीक होते हैं लेकिन जैसे ही दोपहर आती है या शाम आती है आपको आंखों के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, आंखों में शाम को रेडनेस आना, कभी कभी ब्लर दिखना और काम करने की कैपेसिटी ना होना शाम तक आते आते, जिसको इनटॉलरेंस ऑफ स्क्रीन होती है। एडवांस सब स्टेज जाती है तो इसके अंदर आपको मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स, जिसके अंदर बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, ये सब भी हो सकता है। थर्ड होता है जिसके अंदर पेशेंट शाम को आते आते इरिटेबल हो जाता है। सो इन सब चीज़ों को मिला के एक डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बनता है। नाउ बात ये आती है, हम इसको प्रिवेंट कैसे करें, क्योंकि कंप्यूटर्स पे काम करना तो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत ही आसान तरीके हैं। नॉर्मली हम 12 से 15 बार ब्लिंक करते हैं, बट अगर हम कोई काम बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ करते हैं तो ये ब्लिंक रेट कम होता जाता है। सो डिजिटल आई स्ट्रेन वाले लोगों, या फिर अगर हमें प्रिवेंट करना है तो हमें कॉन्शियसली ब्लिंक करना है। कॉन्शियस ब्लिंकिंग हर 5 सेकंड पे आप कर सकते हैं। दूसरा होता है सिंपल 20-20-20 रूल, मतलब 20 मिनट बाद 20 सेकंड का ब्रेक। उस 20 सेकंड में आपको कंप्यूटर से फोकस हटाकर दूर की तरफ देखना है, मतलब नियर टारगेट से किसी फार टारगेट को देखना है, उससे जो आई की मसल्स हैं उस पर स्ट्रेन कम होगा। अगर आपके पास 20 फुट दूर की देखने की जगह नहीं है तो आप एक सिंपल एक्सरसाइज लाइक राइट, लेफ्ट, अप, डाउन, रोटेशन कर सकते हैं हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए। ये चीज़ करेंगे तो आप डिजिटल आई स्ट्रेन को बहुत हद तक कम कर लेंगे। तीसरा, ये आपके कंप्यूटर पोस्चर और आप जो स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। आपको अपना बैक स्ट्रेट रखना है, आपका चेयर पोजीशन ठीक होना चाहिए, आपका व्यूइंग एंगल भी एट अ स्लांट होना चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर स्क्रीन बहुत पुराना है, कंप्यूटर यूज़ करते हैं जिसके अंदर ब्लू लाइट एमिशन बहुत होता है, तो आप उसके ऊपर एंटी ग्लेयर यूज़ कर सकते हैं। आप ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे रहते हैं और आपको नाइट टाइम कंप्यूटर यूज़ बहुत करना है, क्योंकि ब्लू लाइट से जो मेलाटोनिन सिक्रीशन होता है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से हमारा स्लीप साइकिल ख़राब हो जाता है। मैं ये तीन बातों को दोबारा शॉर्ट में बताता हूँ। कॉन्शियसली ब्लिंक करना है, पहला, हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड का ब्रेक देंगे, आई एक्सरसाइजेस करेंगे और अपना स्क्रीन को, अपने व्यूइंग एंगल को ठीक करेंगे। अगर ग्लेयर ज़्यादा आता है तो यूज़ एंटी ग्लेयर ग्लासेस। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इल इफ़ेक्ट्स ऑफ डिजिटल स्क्रीन आपको नहीं होंगे और कम हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको इल इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, आपको ड्राई आई बढ़ रहा है, आपको ब्लर आ रहा है, आपको शाम को फिर भी सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, आँखों में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, ड्राइनेस आ रहा है, तो ज़रूर आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। मेरी और वीडियोस से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दिस वीडियो, शेयर करें, सो दैट इल इफ़ेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर विजन सिंड्रोम आप सभी तक पहुंचा सकें और उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं वो भी आप सभी तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।